छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार किए गए आदिवासियों को रिहा करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया और आदिवासी परिवार को रिहा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तामिया में कुछ दिनों पहले हुए आदिवासी समाज के शादी समारोह में थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया था। विवाद के चलते पीड़ित परिवार के 18 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन और थाना प्रभारी पर हमला करने के आरोप के चलते जेल भेज दिया गया, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर आदिवासी संगठनों ने पूर्व थाना प्रभारी पर कार्यवाही के साथ आदिवासी परिवार की रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा एक जांच टीम भी गठित की गई थी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा ना निकलने से नाराज आदिवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, छिंदवाड़ा जिले में जो तामिया में जो मड़ालढाना ग्राम में जो अभी हादसा हुआ है कुछ दिन पहले, जिसमें एक महिला जो है प्रीति मिश्रा तामिया की, उन्होंने जो अभद्र व्यवहार किया है परिवार के साथ, दुल्हन के साथ उन्हें लाठी जूतों से मारा, अभद्रता गालियों का इस्तेमाल किया है, उसको लेके हम सभी लोग आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जो कि हमारे पार्टी के समस्त जो कार्यकर्ता अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के समस्त पदाधिकारी लोग एक महीने से इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने एक समय लिमिटेड दिया गया था कि अगर आप लोग इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करने वाले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।